दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को इस प्रकार धोया जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। वैसे भी अभी दोस्तों पूरे सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव के सिवा छोड़ अभी कोई दूसरा चेहरा आपको नजर नहीं आता होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक बार फिर तेजस्वी यादव पूरे बिहार में छा गया है। जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ के भागा है तब से तेजस्वी यादव और पूरे बिहार में छा गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद बोल रहे थे कि हम थके हुए सीएम को जगाए है, जो थक के हार गया था और बोल रहा था कि अब बिहार का कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे सीएम को हम जगाए है और इसके बाद भी हम बिहार में रोजगार दिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस बार तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को धो डाला और साथ ही नीतीश कुमार को भी धो डाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दे की बात नहीं होती है लेकिन मोदी की बात होती है। प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है आपसे मिलने के लिए, लेकिन प्रियंका चोपड़ा से मिलने के लिए उसके पास समय है। और एक हमारा मुख्यमंत्री जी है जो किसी का बात नहीं सुनता, जिसे आप लोग पलटू राम कहते हो। हम कहना चाहते हैं कि मेरा मानना है कि जो अन्नदाता है गर्मी में सर्दी में बारिश में दिन भर खेत में लग करके मेहनत करके खून पसीने से हम सबों के थाली में तीन चार वक्त का अगर आता है तो वो अन्नदाता के वजह से आता है। तो अगर देश में किसी का भी सबसे ज्यादा औहदा अगर होना चाहिए तो वो किसान भाइयों का औहदा होना चाहिए, हमारे अन्नदाताओं का होना चाहिए जो हमारा पेट भरने का काम करता है। लेकिन आजकल जो जमाना है, जो आप लोगों को बतलाया जाता है, राहुल गांधी जी ने सच आप लोगों के समक्ष रखा कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। और यही बात अगर हम लोग पूछे, भाई मोदी जी तो कहते थे कि 2022 में आए तो दुगना कर देंगे किसानों का, हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बात सामने आ ही गई है कि आए दुगना तो छोड़िए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये सच्चाई है, ये बिहार की तो सच्चाई है ही, लेकिन देश की भी सच्चाई है। आज पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे, प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पे जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि MSP जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। और हम लोगों ने कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह जी को बनाने का काम किया था और लगातार यही बात थी कि भाई कम से कम बाजार समिति मार्केट जो है वो बन जाए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, वो किसी का सुनना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था, और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है। चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, जो लोग देश में
जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे।